ब्यूटीफुल सोल, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी हथेली में बुध अधिपति योग है क्या, यानी बुध योग है क्या। अगर बुध योग होता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। एक रेखा चंद्र रेखा से निकलती हुई सीधे डायरेक्ट बुध पर्वत पर जाकर रुकती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इसी रेखा को हम, इसी वलय को, इसी रिंग को हम बुध योग कहते हैं गाइस, क्योंकि चंद्रमा और बुध का यहाँ पे योग होता है, मिलन होता है। तो यहाँ पे बुध अधिपति योग का भी निर्माण होता है। ये योग जो होता है गाइस बहुत ही ज़्यादा शुभ कारक होता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि बुध जो होता है बुद्धि का कारक होता है और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। और व्यक्ति का अगर मन तेज हो, अगर बुद्धि तेज हो, तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाता है, सफल होता है, सक्सेस होता है। ऐसे व्यक्ति गाइस अबंडन से भरे रहते हैं। यहाँ पर आप बहुत बड़े एक व्यापारी बन सकते हैं, बहुत बड़े आप कंपनी के मालिक बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका आर्थिक लाभ होगा यहाँ पर गाइस, क्योंकि डायरेक्ट चंद्रमा जो होता है, और विदेश से भी आपको बहुत ही शुभ लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप व्यापार करते हैं, आप व्यापार में अपना कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई ऐसी शॉप खोलना चाहते हैं, ऐसा आप बड़ा व्यापार चलाना चाहते हैं, तो ये रेखा आपको बहुत ऊँचे स्थान तक लेकर जाएगी और आपको बहुत बड़ा व्यापारी बना सकती है गाइस, क्योंकि बुध अधिपति योग का कारण ही आपको एक राजा के लेवल तक पहुंचाना, एक धनी पर्सन बनाना, एक आपको किंग की तरह आगे बढ़ाना अपनी जिम्मेदारियों में, पैसों में, कार्यों में, यानी हर एक क्षेत्र में आपको नंबर वन पर लेकर जाना। अगर ये रेखा है गाइस यानी बुध योग है, तो आप एक किंग के समान बहुत ज़्यादा धनी रहेंगे।